मार्वल वर्सेस डीसी है जी, तो कितने लोग हैं यहाँ पर? डीसी के फैंस लाइक कर दो यार, और मार्वल के फैंस सब्सक्राइब करो, देखते हैं कौन जीतता है। वेल, मार्वल की फर्स्ट मूवी थी आयरन मैन जो कि 2008 में रिलीज हुई थी, वही डीसी की फर्स्ट मूवी थी मैन ऑफ स्टील जो कि 2013 में रिलीज हुई थी। कम समय ज्यादा सक्सेस, जिसका एक पॉइंट तो बनता है। मार्वल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी है एवेंजर्स एंडगेम, जिसने वर्ल्ड वाइड $2.79 बिलियन की कमाई की है। वही डीसी की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी है एक्वामैन, जिसने वर्ल्ड वाइड सिर्फ $1.50 बिलियन की कमाई की है। पॉइंट मार्वल के। डीसी ने अब तक 11 फिल्में रिलीज किया है, वही मार्वल ने 31 फिल्में रिलीज की है। मार्वल के हर एक मूवीज की आईएमडीबी पर रेटिंग होता है 7.5, वही डीसी के 6.5। मार्वल के पर मूवी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी डीसी से ज्यादा, ये पॉइंट भी मार्वल के नाम। मार्वल को अब तक 68 अवार्ड मिल चुके हैं, वही डीसी को सिर्फ 48 पॉइंट मार्वल के नाम। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, द विनर इज मार्वल।